बिहार के छपरा में बिना वैक्सीन भरे ही खाली सिरिंज एक व्यक्ति को लगा दिया गया। आपको बता दें कि यह वीडियो बिहार के सारण का बताया जा रहा है। देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए बैठा है। महिला स्वास्थ्य कर्मी रैपर फाड़ कर सिरिंज निकालती है और उसमें वैक्सीन की डोज भरे बिना ही खाली सिरिंज व्यक्ति को लगा देती है। जब युवक को वैक्सीन लग रही थी तभी उसका दोस्त वीडियो बना रहा था, जिस वजह से सारी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। भयंकर लापरवाही का यह वीडियो वायरल हो चुका है। इसके बाद सारण के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि वीडियो की जानकारी मेरे पास तक आई है, लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए नर्स चंदा कुमारी को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया है। साथ ही उनसे 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। हालांकि DIO ने ये भी कहा कि नर्स से जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इसी हड़बड़ाहट में नर्स से भूल हो गई। उन्होंने कहा कि युवक को दोबारा बुलाकर उसे वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी।